दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। देश के एक जाने माने साहित्यकार ने आज कुछ समय पहले फोन पर जब बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये सरकार चाहे केंद्र की हो या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारें हों, वो इतने जनता को नाराज करने वाले फैसले, जनता को तबाह करने वाले फैसले, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, युवा हों, छात्र हों, इतने सारे वो फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको किस बात का भरोसा है कि वो चुनाव वही जीतेंगे, और अक्सर वो चुनाव जीत भी जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है? उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, पंजाब का चुनाव नज़दीक है, कुछ समय के बाद हरियाणा का भी चुनाव होगा, उत्तराखंड का तो पहले ही होगा। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी सारी जो स्थितियां बन रही हैं, अब डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर सबके दाम ताबड़तोड़ बढ़े जा रहे हैं। भाई महंगाई कंट्रोल करना कम से कम सरकार का काम है, ताकि लोगों को राहत मिले, आम लोगों को भी। लेकिन अब देखिए, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो सिलेंडर है वो फिर 25 रुपए किलो, 25 रुपए ज़्यादा बढ़ गया। अब 25 रुपए जो बढ़ा है, तो अभी सिलेंडर 885 रुपए का है, और आपको बताएं कि जब ये सरकार आई थी तब उस समय इसका जो दाम था एक गैस सिलेंडर का 410 रुपए था, यानी जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 125%, यानी 115 से लेकर 120% के आसपास ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो उनका ये कहना था, साहित्यकार जो हमारे जिन्होंने बात की, कि आखिर क्या वजह है, एक पत्रकार के रूप में आप क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में पहले भी सोचता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये केवल देश के एक जाने माने साहित्यकार की जिज्ञासा नहीं है। आप में असंख्य लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे पाठक, बहुत सारे देश की जनता का बड़ा हिस्सा, वो भी ये सोचता होगा कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इतने गलत फैसले किए जा रही है धड़ाधड़, जबकि चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी सरकार जब भी चुनाव आए तो वो जीते लगातार सरकार में। लेकिन बंगाल का चुनाव पिछली बार वो हार गई, जबकि उसका मानना था कि यहाँ भी इस बार हिंदुत्व की पताका फहराएगी। तो आखिर क्या कारण है, ये बार बार एक सवाल उठता है कि किस बात का भरोसा है, कौन सा वो कॉन्फिडेंस है इस सरकार चलाने वालों को, या सत्ताधारी दल के जो थिंक टैंक हैं, योजनाकार हैं, जो उसके रणनीतिकार हैं, उनको क्या ऐसा भरोसा है, किस बात का? दोस्तों इस बारे में मैं बिल्कुल साफ बता दूं कि दरअसल इस सरकार की और इस सत्ताधारी दल की पूरी साइकी, जो मनोविज्ञान है, वो दरअसल हमारे देश की जो सरकार हमारे औपनिवेशिक दौर में थी, कॉलोनियल जो पीरियड में थी, यानी मैं ब्रिटिश हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उससे एक मामले में काफ़ी मिलती जुलती है। ब्रिटिश हुकूमत के बारे में दुनिया भर के इतिहासकारों ने, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने माना कि वो भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से काम चलाती है। कभी वो हिंदू मुसलमान में बांट देती है, कभी वो राज्यों में बांट देती है, तरह तरह के ये उसने हथकंडे अपनाए और लंबे समय तक उसने राज किया इस देश में। हमारी जो मौजूदा सरकार है, कहने को तो ये राष्ट्रवादी सरकार अपने को कहती है, कहने को तो ये अपने को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, पता नहीं ये कौन सा हिंदुत्व है, क्योंकि ये हिंदू धर्म या कोई और धर्म से इसका कोई मेल नहीं है। हिंदुओं में तो बहुत सारे लोग बहुत उदार, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी परहेज करते हैं। तो ये कौन सा हिंदुत्व है? आप गांव में जाकर देखिए, बहुत सारे किसान जिनको मालूम नहीं है कि धर्म क्या मतलब है, लेकिन उनको बता दिया गया है कि वो हिंदू हैं,
तो राम राम करते हैं, यहाँ तक कि सलाम नमस्कार भी करना हो तो जय सिया राम करते हैं। इनका तो खैर जय श्री राम है, वो जय सिया राम करते हैं या सिया राम करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो इनका हिंदुत्व है दरअसल बिल्कुल धार्मिक नहीं है, ये बिल्कुल राजनीतिक है। इसकी इस इनके हिंदुत्व की किसी धार्मिकता से कोई रिश्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीति है, शुद्ध रूप से आर्थिकी है। इसके पीछे कॉरपोरेट की आर्थिकी है। कॉरपोरेट यानी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां, जितने बड़े उद्योगपति भारत के हैं, सबके अगर मिले जुले इंटरेस्ट को देखा जाए तो उस इंटरेस्ट को ये बचाने वाली, एक तरह से बचाने वाला हिंदुत्व है। तो इसकी जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, जो ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसी थी, उसमें एक चीज और जुड़ गई है, वो क्या? डिवाइड हेट एंड रूल, यानी विभाजन और द्वेष के बाद शासन करो, यानी लोगों को बांटो, लोगों के बीच नफरत फैलाओ और राज करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ताधारी जो दल है, सत्ताधारी जो संस्कृति है, ये पूरी की पूरी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है दरअसल वो विभाजन और द्वेष के देवताओं की है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए हरियाणा का कॉन्टेक्स्ट, मौजूदा दौर में लाठीचार्ज हुआ, कैसे पीटा गया, उसके पहले कैसे एक अफसर ने बकायदे हिदायत दी, आदेश दिया पुलिस वालों को कि लाठी ऐसे चलानी है कि सिर पर लगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका बचाव किया, कहा कि बस शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था कुछ इस तरह का, लेकिन कड़ाई तो करनी चाहिए थी। अब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि नहीं एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन एक्शन कैसे होगा जब मुख्यमंत्री ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो अब ये क्या है मसला, क्यों हरियाणा में इस तरह की सरकार बोल रही है और कर रही है और करा रही है? तो हमारी जो जानकारी है दोस्तों कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए हरियाणा की स्थिति, तो जनता एकजुट नहीं है, जनता के बीच विभाजन है। और किसान आंदोलन को जाट बिरादरी के साथ आइडेंटिफाई कर देने की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की, कि पूरे किसान आंदोलन को, जिसमें हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग शामिल हैं और हर अनेक प्रदेशों के, साउथ इंडिया तक उसको भारी समर्थन है, लोगों ने आकर यहां रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, उनके साथ पार्टिसिपेशन भी किया है, लेकिन उस किसान आंदोलन को जो व्यापक किसान जनता के अधिकारों को लेकर है, उसको जाटों की राजनीति से जोड़ दिया गया है हरियाणा में, या जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन की हरियाणा में लीडरशिप है उसको जरूर इस बात पर आगाह होना चाहिए। तो जाट बनाम अन्य को एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का करने का इरादा है, और सरकार इसीलिए इस आंदोलन को इस तरह से देख रही है या इसके साथ इस तरह का आचरण कर रही है। अब आइए उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए सबसे अधिक अगर ऑपरेशन, सबसे अधिक अगर राजनीतिक अभियान चले हैं भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक द्वारा या उनके योजनाकारों द्वारा, तो वो है ओबीसी को डिवाइड करना। और ओबीसी को डिवाइड कैसे, क्योंकि उनको मालूम है कि ओबीसी के बगैर उनकी सत्ता नहीं आ सकती, सिर्फ अपर कास्ट के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी असंभव है। तो ओबीसी को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने ओबीसी की अन्य जातियों के बीच में विभाजन कर दिया है, और अभी जो रिजर्वेशन को लेकर एक नया प्रपंच रचा जा रहा है, उस प्रपंच में दरअसल यही होने जा रहा है बड़े पैमाने पर कि ओबीसी की अनेक जातियों को ऐसे खंड खंड में ये बांटेंगे जिससे कि एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ खड़ी हो जाए, जैसे एक समय ब्रिटिश हुकूमत किया करती थी, हिंदू मुसलमान जातियों, धर्म, संप्रदाय सब में बांटती रहती। अब आप देखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण अपर कास्ट को मिला हुआ है, लेकिन उसमें कोई विभाजन नहीं है जातियों का, लेकिन ओबीसी के आरक्षण में लगातार उसको विभाजित करने की कोशिश हो रही है। और असल कहानी वही है कि कैसे लोगों को भी डिवाइड करो, कैसे लोगों को भी को विखंडित करो। और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं
कि आप देखिए जैसे कैसे पार्टियों में विभाजन, पार्टियों में नेताओं को जो थोड़े कमजोर नस जिनकी है कोई ब्लैकमेल कर लो, कोई पटा लो, किसी को अपने साथ मिला लो। आप बंगाल में ही देख लीजिए, बंगाल में टीएमसी के कितने नेताओं को चुनाव से पहले निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, या बाहर होने के लिए मजबूर कर दिया गया, या उनको एक तरह से अपने साथ पटा लिया गया विभिन्न कारणों से। मैं कोई ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि कौन किस कारण से गया, लेकिन निस्संदेह वह राजनीतिक केवल कारण नहीं था, उसमें अराजनीतिक पहलू भी थे। और कई लोग वापस भी आ गए टीएमसी में, क्योंकि सत्ता उनकी वापस आ गई। पहले भरोसा दिया गया था कि सत्ता वह बिल्कुल वापस नहीं आ रही है। तो ये जो मसला है, 2017 के चुनाव में क्या हुआ था, आप समाजवादी पार्टी को याद कीजिए, क्या नौटंकी, क्या नाटक रचा गया, और पूरा परिवार विभाजित हो गया, और बहुत आसानी से बीजेपी ने सरकार बना ली। अब इस बार क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन विभाजन इस पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है। मौजूदा जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ताधारी दल को चलाने वाले टॉप लोग हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजी है वो लोगों को विभाजित करना, दलों को विभाजित करना, समाजों को विभाजित करना और समुदायों को विभाजित करना। तो इस तरह से विभाजित करना, द्वेष फैलाना, आपस में एक दूसरे से लोग जुड़े ना, एक दूसरे से, आप देखिए केवल ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, आप जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके बीच में कितना विद्वेष आज के दौर में शुरू हुआ है जातियों के आधार। तो ये एक स्ट्रेटजी है दोस्तों। अब दलित लोगों पर जितना अत्याचार इस समय है, अभी आपने दिल्ली देश की राजधानी है, अगस्त के शुरू में एक क्रीमेटोरियम कॉम्प्लेक्स में एक कथित पुजारी द्वारा और उसके गिरोह द्वारा एक 9 साल की लड़की के साथ अत्याचार हुआ था, उसकी मौत हो गई और जबरन उसकी डेड बॉडी को, उसके पार्थिव शरीर को जलाया गया, कोशिश की गई उसको, बहरहाल काफी प्रोटेस्ट हुआ। ठीक अभी देखें अगस्त बीतते बीतते एक और घटना 11 साल की लड़की के साथ दिल्ली में इसी तरह की एक वारदात हुई है। कैसा ये अपराध नियंत्रण है मैं नहीं जानता, देश की राजधानी में जहां सरकार बैठी है और पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली में, लेकिन दलितों को बताएंगे कि हम आपके सबसे बड़े शुभेच्छु हैं, सबसे बड़े शुभेच्छु। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को डराते भी हैं, लोगों को पटाते भी हैं। एक दोस्तों बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि इजिप्ट यानी मिश्र नाम का देश, वहाँ एक उनका एक किंवदंती है, यूँ कहेंगे मिथकी एक देवता है, और वो मिथकी देवता है एपोफिस। एपोफिस जो है एक ऐसा मिथकी देवता है जिसे लोग पूजते नहीं, जिसको लोग इज्जत नहीं देते, जिससे लोग डरते हैं। कुछ वैसी ही स्थिति अपने देश के सत्ताधारियों की है कि उनको लोग प्यार नहीं करते, उनको लोग, बड़ा हिस्सा लोगों का, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लोग उनके उनके बिल्कुल अंधभक्त हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन एक बड़ा समाज देश का, आप देख लीजिए ना परसेंटेज भी, आजकल 66% से 24% लोग प्रत्यागिरी है, 66% से 24%। तो लोगों में एक आक्रोश है, लेकिन लोग डरते हैं। पहले लोग अपने नेताओं को प्यार किया करते थे, आजकल लोग डरते हैं कि कहीं अगर हमने विरोध किया, असहमत हुए, हमने मुंह खोला, तो कहीं हमें सबक न सिखा दिया जाए। ये असलियत है कि लोग नफरत, द्वेष और डिवाइड करने वाले जो लोग हैं उनसे डरते हैं, और इसीलिए वो कामयाब भी हैं। और आप देख लीजिए अपोजिशन की हालत, अपोजिशन के नेता बड़ी मुश्किल से बयान देते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं करते। इन शब्दों के साथ बस आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।